अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक क्लस्टर्ड सिस्टम्स पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग मेन फ्रेम सिस्टम्स पढ़ चुके हैं, सिंगल यूज़र बैच सिस्टम्स उसमें हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल सिस्टम्स या मल्टी प्रोग्रामिंग वाले सिस्टम्स पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पढ़े, और आज हमने पढ़ने हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स। ये क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या होते हैं देखते हैं जी। कि क्लस्टर्ड सिस्टम यूजेस मल्टीपल सीपीयूज़ टू अकम्पलिश अ टास्क। सीपीयूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ ज़्यादा यूज़ कर रहा है किसी भी प्रोसेस को या किसी टास्क को मुकम्मल करने के लिए जिसकी प्रोसेसिंग रिक्वायर हो रही है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट क्लस्टर्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सिस्टम्स कपल टुगेदर। अब ये देखें कि जो पैरेलल सिस्टम थे यानी जहाँ पर मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही थी, उसके अंदर ये था के जो सीपीयूज थे वो सेम सिस्टम के अंदर ही लगे हुए थे, सेम कंप्यूटर के अंदर ही मुख्तलिफ सीपीयू थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सिस्टम्स हैं या जो सीपीयूज हैं वो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वो सिस्टम्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड हैं थ्रू लैन, यानी उनके दरमियान में, उन कंप्यूटर्स के दरमियान में नेटवर्किंग की हुई है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, तो जो क्लस्टरिंग है वो हमें हाई अवेलेबिलिटी परफॉर्म कर रही है। ये जो हमने क्लस्टर्ड सिस्टम्स बना लिए हैं ये हमें हाई अवेलेबिलिटी दे रही है। वो कैसे कि अब अगर सपोज़ एक इनमें से कोई एक नोड जो है वो काम करना बंद कर देता है तो उसकी जगह पर फिर उसको दूसरा ओवरटेक कर लेता है। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि क्लस्टरिंग इज़ यूजुअली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी अ लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन्स ऑन क्लस्टर नोड्स। अब यह जहाँ जिन कंप्यूटर्स में हमने क्लस्टरिंग की हुई होगी उनके लिए हम स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको क्लस्टर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी अगर हमने क्लस्टर बनाया हुआ है, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, वैसे अगर हम उर्दू में देखें या ग्रुप को कह लें तो क्लस्टर का मतलब है कि जहाँ पर हमने दो तीन कंप्यूटर्स को आपस में ग्रुप किया हुआ है, वो दो तीन कंप्यूटर्स जो हैं उनके जो सीपीयूज़ हैं वो मिल के एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जैसे ये देखें कि ये एक कंप्यूटर है, दूसरा तीसरा कंप्यूटर है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन इनका स्टोरेज एरिया जो है वो भी तीनों का कॉमन है। स्टोरेज जो है वो तीनों एक ही शेयर कर रहे हैं, और इसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो इस क्लस्टर के अंदर ये जो तीन कंप्यूटर आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों जो हैं वो एक स्टोरेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है कि ईच नोड कैन मोनिटर वन और मोर नोड्स ओवर दी लैन। अब होता क्या है कि ये जो लैन बना हुआ है, जैसे ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क ही आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक कंप्यूटर जो है वो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को मोनिटर कर रहा होगा, यानी वो काम कोई नहीं कर रहा। ठीक है, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मोनिटरिंग करने का काम कर रहा है। मोनिटरिंग क्या कर रहा है, मोनिटरिंग वो ये कर रहा है कि क्या बाकी के जो क्लस्टर में मौजूद जो कंप्यूटर्स हैं क्या वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसे ही उनमें से किसी एक कंप्यूटर के अंदर कोई फेलियर आता है, वो कंप्यूटर जो है या वो सर्वर जो है या वो वाला सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, तो ये जो मॉनिटर कर रहा था कंप्यूटर ये उसके काम को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, अब ये देखें कि मॉनिटर्ड मशीन कैन फेल इन सम केसेस। अब वो कह रहे हैं कि जो मशीन जो मॉनिटर हो रही हैं, ठीक है, वो किसी भी केस में किसी वजह से वो फेल हो सकती हैं। तो द मॉनिटरिंग मशीन कैन टेक ओनरशिप ऑफ द स्टोरेज। तो फिर क्या होगा कि वो जो स्टोरेज है इसकी ओनरशिप कौन ले लेगा, इसकी ओनरशिप वो वाली मशीन ले लेगी जो बाकी कंप्यूटर्स को मॉनिटर कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब मॉनिटरिंग मशीन कैन ऑल्सो रीस्टार्ट दी एप्लीकेशंस दैट वर रनिंग ऑन दी फेल्ड मशीन। इसके अलावा वो जो मशीन फेल हो गई है, किसी वजह से रुक गई थी, कोई प्रॉब्लम आई उसके अंदर, उसके काम को, उसके अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे थे, जो एग्जीक्यूट हो रहे थे, या जो टास्क जो सीपीयूज जिनको एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो फेल हो गई मशीन, उसके काम को रीस्टार्ट भी ये वाली मशीन जो मॉनिटर उसको कर रही है ये करवाई। ये मशीन से मुराद क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये उसकी डायग्राम बनी हुई है क्लस्टर्ड सिस्टम्स की। अब ये देखें कि टाइप्स क्या क्या हैं। एक इसकी टाइप है एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग, ठीक है, दूसरी टाइप है सिमेट्रिक, और एक है पैरेलल क्लस्टर्स। तो अब ये देखते हैं कि एसिमेट्रिक में क्या होता है कि वो कहते हैं कि इन दिस फॉर्म वन मशीन इज़ इन हॉट स्टैंड बाय मोड एंड अदर मशीन रन्स दी एप्लीकेशन। अब ये देखें आपको यहाँ पर दो सर्वर नज़र आ रहे हैं, एक सर्वर वन है और सर्वर एन है। सर्वर एन मीन्स के इसमें तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, सर्वर टू, सर्वर थ्री, फोर, फाइव। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पर सर्वर वन जो है वो मेन सर्वर है, ठीक है,
और एप्लीकेशन इसके अंदर रन हो रही है। तो ये जो सर्वर एन है ये हॉट स्टैंड बाय मोड पे था। अब जैसे ही सर्वर वन के अंदर कोई फेलियर आता है, अब ये देखें कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है प्रोसेसिंग जो हो रही है, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होनी है ये आपको डैश ब्लैक और वाइट लाइन के साथ दिखाई दी है, सर्वर वन की प्रोसेसिंग कर रहा है। सर्वर एन जो है वो स्टैंड बाय मोड में है, हॉट स्टैंड बाय मोड में है। जैसे ही सर्वर वन फेल होता है, ये नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है जब जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, तो ये जो एप्लीकेशन जो सर्वर वन की तरफ रन हो रही थी वो सारी अब किसकी तरफ रन होने लगी हैं, सर्वर एन की तरफ। तो क्या कहते हैं कि हॉट स्टैंड बाय मशीन परफॉर्म्स नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रही होती है, ये सिर्फ मॉनिटर कर रही है सर्वर को। जैसे ही जो एक्टिव सर्वर है, अगर वो ये कब एक्टिव होती है, ये तब एक्टिव होगी जब आपका वो जो पहले वाला सर्वर था वो फेल हो गया, तो ये उसकी जगह पर फिर काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या होता है कि इसके अंदर टू और मोर मशीन्स रन दी एप्लीकेशंस, दे आल्सो मॉनिटर ईच अदर। देखें कि जो नोड्स हैं या जितना भी क्लस्टर है, जैसे आपको इस क्लस्टर में चार नोड्स नज़र आ रहे हैं, ये चारों जो हैं ये चारों एक दूसरे को मॉनिटर कर रही हैं, ठीक है, और एप्लीकेशंस को भी रन कर रही हैं। एसिमेट्रिक में जो सर्वर था, सर्वर एन था, ये सिर्फ स्टैंड बाय मोड में था, ये कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा था, यानी किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा था। इसने एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट की है जब पहले वाला सर्वर जो एग्जीक्यूशन कर रहा था वो फेल हो गया, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है कि ये जो चारों हैं क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड्स लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे हैं और एप्लीकेशंस को साथ में रन भी कर रहे हैं। तो ये वाला मोड कहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल हैं काम के लिए। अब ये देखें कि एसिमेट्रिक के अंदर हमारा ये जो सर्वर एन जो हॉट स्टैंड बाय मोड पे था वो टोटली ज़ाया जा रहा है, आइडल बैठा है। तो ये रिसोर्स था हमारे उस क्लस्टर्ड सिस्टम का जो कि एक बिल्कुल ज़ाया जा रहा था। हम उसको उस सिस्टम को हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला सिस्टम जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, क्योंकि सारे नोड्स जो हैं वो एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, तो ये वाले इसके अंदर कोई भी ऐसा नोड या कोई भी ऐसा कंप्यूटर या सर्वर नहीं है जो फारिग बैठा हुआ हो। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारा कोई रिसोर्स जो है वो ज़ाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ मल्टीपल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल टू बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन हम इसको यूज़ कब कर सकते हैं, जब हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं यानी जो टास्क हैं वो एक से ज़्यादा मौजूद हैं रन होने के लिए, यानी जब हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है उसके अंदर हम इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। आगे है जी पैरेलल क्लस्टर्स। पैरेलल क्लस्टर्स में क्या होता है कि अलाउ मल्टीपल होस्ट टू एक्सेस द सेम डाटा ऑन अ शेयर्ड स्टोरेज, कि स्टोरेज शेयर्ड है उसके ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उस सेम डाटा को मुख्तलिफ जो होस्ट्स हैं वो उसको शेयर कर सकें। लेकिन ये ऐसे जो है करना इजी नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि एक डाटा को एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में डाटा को एक्सेस कर सकें मुख्तलिफ होस्ट। तो फिर इसके लिए, इस काम को करने के लिए स्पेशल वर्जन यूज़ किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ताकि ये जो मल्टीपल जो होस्ट ने साइमल्टेनियस एक्सेस करनी है डाटा की वो कर सकें। तो उसकी एक एग्जांपल उन्होंने हमें बताई हुई है कि ओरेकल पैरेलल सर्वर जो है वो इसके लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर इस काम के लिए। तो ये थे हमारे क्लस्टर्ड सिस्टम।